क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कहते हैं कि हमें दो वेक्टर्स दिए हैं ए और बी, और कहते हैं फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 एंड परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो देखें, ये जो डिफिनीशन ऑफ यूनिट वेक्टर है वो बराबर होता है वेक्टर वी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से जो ये वेक्टर वी है इसको हम मालूम कर सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वी एंड यूनिट वेक्टर। तो ये जो वेक्टर हम मालूम करेंगे, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10, तो ये जो रिक्वायर्ड वेक्टर होगा वो बराबर होगा मैग्नीट्यूड के और मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर के। जिस तरह ये फार्मूला है कि वेक्टर बराबर होता है मैग्नीट्यूड के, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर के। तो इसी तरह से यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर हैं वो किस तरह होगा, उसके लिए जो फार्मूला है वो ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड है। तो पहले हम ए क्रॉस बी मालूम करते हैं फार्मूले की मदद से। तो देखें, यहाँ पे आई जे के और जो वेक्टर ए हैं, ये इसके ये कोएफिशिएंट लिखें 2, -3 और 4। सिमिलरली ये 4, -2 एंड -4। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करें। अच्छा, तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करें, +12 और ये -8, और एक फार्मूले का माइनस है तो ये +8 हो जाएगा इनटू आई माइनस। फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को इग्नोर करें, -8 और ये -16 इंटू जे। सिमिलरली प्लस फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को इग्नोर करें, ये -4 और ये -12, तो ये +12 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 20i, ये -24, तो इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +24j हो जाएगा, और 12 -4 से +8k आता है। ठीक है। अच्छा, तो ये हमने ए क्रॉस बी मालूम किया, ए क्रॉस बी। ठीक है, अब हम इसका मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं, ए क्रॉस बी होल मैग्नीट्यूड। तो ये 20² + 24² + 8² अंडर द रूट। तो जो 20² है इससे तो 400 आएगा, और जो ये 24 तो इससे 576 आएगा +64। ठीक है, इन तमाम को प्लस करें तो ये हमारे पास 1040 आएगा, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कि 16 × 65। तो जो ए क्रॉस बी होल मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या होगा, वो 4√65 आएगा। ठीक है, अब हम मालूम कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा है रिक्वायर्ड वेक्टर जो है, रिक्वायर्ड वेक्टर वो बराबर होगा इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है और इसका जो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड जो है वो तो हमें दिया है कि क्या है, मैग्नीट्यूड इसका 10 है। देखिए, ये 10 मैग्नीट्यूड क्या है, ये 10 है, और जो यूनिट वेक्टर है वो तो ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो इसमें वैल्यू स्पोर्ट करें, ये 10 और ए क्रॉस बी हमने मालूम किया है, यहाँ 1 में देखें ये 20i + 24j और +8k। ठीक है, और जो ए क्रॉस बी ये बराबर है 4√65 के, 4√65। तो यहाँ से अगर हम देखें, इसमें ये 4 कॉमन करें, 10 × 4, तो ये हो जाएगा 5i प्लस
24 से 4 कॉमन करें तो 6 4 24, और ये 2 की होल डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट 65, तो यहाँ से 4 एंड 4 कैंसिल ईच अदर, सो फाइनली जो रिक्वायर्ड वेक्टर होगा वो हमारे पास क्या होगा, 10 इंटू 10 इंटू 5i प्लस 6j प्लस 2k डिवाइडेड बाई अंडर रूट 65, ठीक है।